क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ये बताया गया है टू शो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये टॉपिक हम प्लस वन के अंदर एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं। टॉपिक क्या था? टू प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या था कि आप किसी भी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी उठाओ, आप पत्थर उठाओ और उसको सीधा एच हाइट पर ले आओ, आप सीधा ले आओ, आप घुमा के ले आओ, आप इंक्लाइन प्लेन से ले आओ, अगर उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस एच है तो आपका वर्क डन तीनों रास्तों में एग्जैक्टली क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यानी कि जब हम बोलते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन इज कंजर्वेटिव, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वर्क डन है अगेंस्ट ग्रेविटी, वो वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। तो ग्रेविटी की फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन है दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। सेम विद इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इमेजिन करो ये एक चार्ज है रूम में बैठा हुआ है स्टूडेंट, दूसरे चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ता है, हमने पोटेंशियल एनर्जी की थी। तो दूसरे चार्ज को उठा के मैं यहां पे रखता हूं ठीक, और वो क्लास में बैठा है, मैंने पकड़ के रखा हुआ है दोनों को, नहीं तो भाग जाएंगे ना, इन्फिनिटी तो एक दूसरे को रिपेल करेगा और भाग जाएंगे। इसको पकड़ के रखा हुआ है, उसको पकड़ के रखा हुआ है, दोनों चार्ज को, उस चार्ज को भागना है क्योंकि ये चार्ज इसे क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है राइट। पर मैंने उठा के इस चार्ज को यहां से यहां रख दिया, अब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया हुआ है और इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे चार्ज को उठा के मैं यहां से यहां लेके आ रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब टॉपिक यह है कि आप चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले आए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, आप चाहे सीधा ले आओ, आप घुमा के ले आओ, जैसे मर्जी ले आओ, आपका वर्क डन हर केस में विल रिमेन सेम। अगर मैं ये प्रूव कर पाऊं तो आपको मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर ठीक। इन शॉर्ट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे लेट अस सपोज आपके पास कोई क्यू चार्ज है, क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर गया। आपके पास एक और चार्ज है क्यू नॉट, इस क्यू नॉट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के आपने ए से बी पे रख दिया और क्या कैलकुलेट किया? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वो वर्क डन ए एंड बी की सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। रास्ता चाहे आप ये लेके जाओ, चाहे आप ये लेके जाओ, चाहे आप ये लेके जाओ, आपके वर्क डन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैं ऐसा प्रूव कर पाऊं तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मैंने वर्क डन कर दिया और वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं किया, तो मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर, और मैं यही करने वाला हूं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, एक छोटा सा तरीका जिसमें मैं अपने तरीके से करके दिखाऊंगा, फिर दूसरा तरीका जैसे बुक्स या एनसीईआरटी आपको करके दिखाती है जो आप पेपर में लिख के आएंगे फॉर एनसीईआरटी, ये टॉपिक इज फॉर एनसीईआरटी। तो मेरा तरीका ये है, मैं ये बोलता हूं कि सपोज आपके पास, ठीक, जैसे लेट अस सपोज आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है क्यू, राइट, ये पॉजिटिव चार्ज क्या लगाएगा? ये फील्ड लगाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। कैसे लगाएगा? ये देखो, ये क्या है? इसका प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ लगाएगा, पर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, सिर्फ हर तरफ लगाएगा पर ये ड्रॉ कर लिया ठीक है। यहां तक सपोज करो ये पॉइंट है ए और ये इसका है पोजीशन वेक्टर। ये देखो, ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर याद है, ओरिजिन से एक वेक्टर जो ए पॉइंट को ज्वाइन करता है, दोनों पोजीशन वेक्टर जिसकी पोजीशन बताता है। सिमिलरली एक और पॉइंट लेते हैं बी, बी ये रहा बी, तो ये रहा आर ए वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर, ये रहा आर बी वेक्टर इसका
पोजीशन वेक्टर, तो ए का पोजीशन वेक्टर आर ए और बी का पोजीशन वेक्टर आर बी। क्लियर है यहां तक? अब इमेजिन करो कि आप किसी भी इमेजिनरी टेस्ट चार्ज को उठा के ए से कहां लेके आ रहे हो, बी पे। आपको क्या करना पड़ा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ क्यू नॉट इज नोन एज पोटेंशियल का डिफरेंस, राइट? और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, क्योंकि आप चार्ज को कहां से कहां लेके आ रहे हो, ए से बी, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। क्लियर है यहां तक? तो यानी कि वीबी माइनस वीए। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इसमें वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट विल बी इक्वल टू वीबी। तो बी पॉइंट पर ये क्यू चार्ज, क्योंकि जो चार्ज मूव करवाया जाता है वो तो पोटेंशियल लगाता ही नहीं, पोटेंशियल कौन लगाएगा, ये फिक्स चार्ज क्यू, तो क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में से मूवमेंट हो रही है, तो क्यू ने बी पे पोटेंशियल क्या लगाया, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर बी, और ए पे क्या लगाया, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर ए। अब जो भी वर्क डन कैलकुलेट आपने किया वो फाइनली किस पे डिपेंड कर रहा है, आर बी एंड आर ए, पाथ पे डिपेंड कर कहा रहा है, पाथ तो मैंने यूज भी नहीं किया। तो मेरे हिसाब से ये प्रूव हो गया कि वर्क डन की जो वैल्यू आएगी इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो आपको मानना पड़ेगा कि वर्क डन इज कंजर्वेटिव या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब ये तो मेरा आसान तरीका है करने का, क्योंकि इसमें आप मुझे ये चैलेंज कर सकते हो, फिर हमने पाथ कुछ तो लेना था, कोई पाथ ले लेते तो मानते भी आपने रास्ते के थ्रू प्रूव किया। आपने रास्ता ही नहीं लिया, आपने ए लिया बी लिया, फिर आपने स्टार्टिंग में ए और बी ले लिया, आपने बीच का कोई रास्ते की बात ही नहीं की, तो आपको तो रिजल्ट अपने आप ही आना था। तो इसलिए ये मेरा प्रूफ है। चलो मैं ऐसा समझाता हूं कि अल्टीमेटली यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल का डिफरेंस, तो मैंने समझा दिया, लेकिन आपकी बुक्स ऐसे समझाती हैं कि वो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये नहीं लेती, क्योंकि अगर उसने ये ले लिया फिर तो इनिशियल और फाइनल वैसे ही ले लिया उसने, उस रास्ते को तो लिया ही नहीं। तो हम ये प्रूफ नहीं करके आएंगे पेपर में, हम क्या करके आएंगे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट, इससे करके आएंगे, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस पाथ भी फॉलो करना पड़ेगा। एक सेकेंड प्लीज। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, तो आपको पाथ फॉलो करना पड़ेगा। अब ऐसे केस में जब आपको पाथ फॉलो करना पड़ेगा तो इस डायग्राम में चलते हैं। सपोज आपके पास ये एक डायग्राम है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। इमेजिन करो कि आप क्यू चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आपने, किसी चार्ज को ए से बी पे लेके गए, सेम रूल है, बस फर्क यह है कि मेरे को पाथ दिखाना है इसमें, और मैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या यूज करूंगा, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कुछ ऐसे यूज करूंगा ताकि मैं पाथ को शो कर सकूं। तो मैंने इसमें क्या किया, इसके अंदर सपोज ए पॉइंट का, ए पॉइंट की पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर ए वेक्टर, बी पॉइंट की पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर बी वेक्टर, राइट? ये इसका क्या है, पाथ, पाथ बना दिया। इस पाथ का क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये देखो, ये देखो, क्योंकि पाथ तो लेना पड़ेगा ना, तो किस पाथ के थ्रू जा रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, और ए से लेके बी तक अगर हम स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर करें तो ये स्मॉल एलिमेंट मैंने कंसिडर किया जिसकी वैल्यू क्या है, डी एल वेक्टर। तो ये मेरा पाथ है, तो मतलब ए से लेके बी तक पाथ है, बट मैंने क्या 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 किया, ए से लेके बी तक टोटल पाथ नहीं लिया, बिकॉज इट कैन बी कर्व्ड, तो मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले ली इसकी डीएल वेक्टर। क्लियर है? ठीक। अब यहां पे आप किसी चार्ज को यहां भी लेके आओगे, फिर आगे लेके जाओगे, तो आपने स्मॉल एलिमेंट लिया, कितना, डीएल वेक्टर। तो यहां पे जहां पे ई निकालना है आपको, यहां ई निकालना है, तो ये क्यू इस प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल, तो ये डायरेक्शन आगे किसकी, ई वेक्टर की, तो ई वेक्टर डीएल वेक्टर, और मान लेते हैं इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, इमेजिन कर लो थीटा, मैं सब एलिमिनेट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहां तक? नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर कुछ यहां पे ड्रॉ कर दो, और इमेजिन करो कि ये जो पी पॉइंट है जहां पर आपने ई को कंसिडर किया, इसका पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर,
ये आर ए वेक्टर, ये आर बी वेक्टर किसी भी इंस्टेंट पर आर वेक्टर, आर वेक्टर में चेंज, तो आर वेक्टर और ये छोटी सी जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाली, दिस इज सपोज डी आर वेक्टर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ कितनी है डी एल, ये लेंथ कितनी है डी आर, ये एंगल कितना है 90। तो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू पता है क्या आएगी, डी आर डिवाइडेड बाय डी एल, तो डी आर बाय डी एल, क्योंकि एंगल कितना है 90। तो यहां से डी आर विल बी इक्वल टू डी एल कॉस थीटा। आप सोचेंगे करने की कोशिश क्या कर रहे हैं यार, डी आर आर ले लो, डी आर ले लो, थीटा ले लो, डी एल ले लो, ई ले लो, क्या कर क्या रहे हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं माइनस ई डॉट डी एल। डी एल क्यों, क्योंकि मैं छोटा वर्क डन निकालूंगा पहले पी से क्यू, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा यहां पे ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, राइट। फिर मैं इंटीग्रेट करके ए से बी का टोटल वर्क डन निकालूंगा। तो देखो जरा कैसे, तो इस ट्राइंगल इस पूरे टॉपिक में आपने, मैं यही करूंगा सॉल्व एक मिनट, यहां देखो, तो इस टॉपिक में मैं एक काम करता हूं, मैं P से लेके Q तक लेके जाता हूं। तो अगर मैं P से लेके Q तक जाता हूं और मैं कैलकुलेट क्या करता हूं, E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है DL वेक्टर, राइट। तो कहां से कहां, P से लेके Q तक, राइट। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक ही बात है। तो इसको जब मैं ओपन करता हूं तो ई डीएल, ई ये रहा ई डीएल, इनके बीच में एंगल क्या निकलता है थीटा, डीएल कॉस थीटा भी क्या प्रूव किया था, क्या था डीआर किया था ना ट्राइंगल से, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं। और ई, ई की वैल्यू ये आर है तो क्यू चार्ज यहां पर ई क्या लगाएगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर, और इसकी जगह कितना डीआर। तो ये कैलकुलेशन कहां से कहां चल रही है, पी से क्यू, पर मुझे क्या करनी है ए से बी, तो ए से बी करनी है तो आर ए से लेके आर बी लिमिट लग जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां आएगा, ए से बी, तो यहां से कॉमन आ गया माइनस वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन बाय आर स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक, आर ए से लेके आर बी तक, राइट। और फिर इक्वल टू माइनस 1 by 4 pi epsilon not q r की पावर माइनस टू डी आर, कहां से कहां, आर ए से लेके आर बी तक, माइनस 1 by 4 pi epsilon not q, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, r की पावर माइनस वन बाय माइनस वन, कहां से कहां तक, आर ए से लेके माइनस माइनस प्लस, तो क्या बना 1 by 4 pi epsilon not q 1 by r, आर ए से लेके आर बी तक। और फाइनली लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे कहां से कहां तक, आर बी और आर, तो आपके सामने ही है पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आर ए एंड आर बी, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज किस पे डिपेंड करता है, आर ए एंड आर बी, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये इसका प्रूफ है। आपकी बुकलेट में थोड़ी सी करेक्शन है, वो करेक्शन कर लेना, सारे स्टेप लिखने हैं तो एक बार फिर से लिख लो, आपकी मर्जी है। तो यहां पर एक बार देखो प्लीज,
देखो मैंने इसमें ई डॉट डी आर क्यों नहीं लिया, ई डॉट डी डॉट डी डी एल क्यों ले लिया, जबकि मैं हर वक्त बोलता हूं माइनस ई डॉट डी आर डी आर डी आर, मैंने डी एल ले लिया। आप ये देखो चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा है। आपने पी से क्यू लिया, जब आपने पी से क्यू लिया तो चार्ज कहां मूव कर रहा है, पी से क्यू, तो डी आर कैसे लेंगे, पर तो डी एल लेंगे। डी आर इसलिए लिया क्योंकि आर इज अ वेरिएबल, जब पाथ में मूव करते हैं तो आर क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो आर का छोटा सा पार्ट लिया डी आर, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी आर चलानी है, बिकॉज आर इज अ वेरिएबल, आर इज अ वेरिएबल, इनिशियल आर ए फाइनल आर बी, तो लिमिट डी आर को इंटीग्रेट करके आर, आर की इनिशियल वैल्यू आर ए है, आर की फाइनल वैल्यू आर बी है, तो डी आर में चलानी जरूरी है। इसलिए हाँ ऐसा बोल सकते हो, हाँ ऐसा बोल सकते हो, ठीक है यहाँ तक। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये, ठीक है, ये पूरा टॉपिक एग्जैक्टली यही इसमें किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल केस है, क्या स्पेशल केस है, स्पेशल केस ये है कि अगर आपका कोई चार्ज एक पॉइंट से मैंने उठाया, लेट अस सपोज मैंने कहां से उठाया, मैंने ए से उठाया, मैंने चार्ज को ए से उठाया, बी पे लेके गया, फिर बी से उठाया और वापस ए पे ले आया, तो क्या बन गया, क्लोज्ड पाथ बन गया, क्लोज पाथ बन गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज्ड पाथ में नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, जीरो, राइट, क्लियर है यहां तक। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज जीरो, इसमें भी जीरो, कैसे जीरो, ये तो लंबा प्रूफ किया हुआ है, हम इजी प्रूफ करते हैं, इजी काम करते हैं, कैसे, जब आप मान लो ए से कहां लेके जा रहे हो, बी पे, मान लो चार्ज को कहां लेके जा रहे हो, ए से बी पे, जब आप किसी भी चार्ज को ए से बी पे लेके जा रहे हो, ए से बी पे लेके जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ए से बी वर्क डन करते हो, अपॉन क्या, टेस्ट चार्ज लेके जा रहे हो, कितना, क्यू नॉट इज इक्वल टू, कहां से कहां लेके जा रहे हो, ए से बी, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्लियर है, ठीक है। फिर आप बी से ए पे लेके आ रहे हो, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो जब आप ऐड करोगे इन्हें तो ये टर्म कैंसल, तो ये टर्म कैंसल होके ये देखो दो इक्वेशंस बनी हुई है हमारे पास, ये देखो ये दो इक्वेशंस बनाई, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आया, जीरो, तो टोटल राउंड आने और जाने का नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा, जीरो। तो जब भी आप एक चार्ज को स्टार्ट करके वहीं से वापस लेके आओगे तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी,